बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शेफ हसनैन, आप देख रहे हैं फूड फैशन। आज मैं बना रहा हूँ फ़िश स्टेक, जो कि बोनलेस फ़िश से बनेगा। इसके लिए मेरे पास दो फिले हैं बोनलेस फ़िश के, इस तरह इतने। तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ रेसिपी, देख सकते हैं। तो इसके लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत ही सिंपल और थोड़े से स्पाइसेस के साथ ये बनेगा स्टेक। तो उसके लिए सबसे पहले लेमन जूस है, एक लेमन मैंने इसके ऊपर निचोड़ लेना है। बहुत ही लाइट स्पाइस है, वो लोग जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। इसके बाद थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगा ब्लैक पेपर, बस हल्की सी इसके ऊपर ब्लैक पेपर डालनी है, और नमक, वो भी सॉल्ट टू टेस्ट, आप इसको यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा नमक, क्योंकि ये दो फिले हैं तो इसकी क्वांटिटी स्पाइसेस की इतनी वो नहीं है, उसकी मेजरमेंट की टीस्पून टेबलस्पून, आप हाथ से ही थोड़ा थोड़ा इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा सोया सॉस है, बस दो ड्रॉप्स मैं इसमें सोया सॉस के डालूँगा, और ऑयल दो तीन ड्रॉप्स मैं इसमें ऑयल के शामिल करूँगा, इतना। अब मैं इसको मिक्स कर लेता हूँ अच्छी तरह से, दोनों साइड पे आपने इसको मिक्स करना है एहतियात से, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट है और टूट भी सकती है, आपने बहुत एहतियात से इसके ऊपर लगाना है। इसके बाद मैं इसको नॉनस्टिक पैन पे इसको शैलो फ्राई करूँगा, आप ग्रिल पे भी कर सकते हैं, पैन में जैसे भी आपको इजी लगे। तो ये हो चुका है, अब मैं इसको तकरीबन आधा घंटा रेस्ट के बाद मैं इसको ग्रिल करूँगा स्टेक को। जी तो व्यूअर्स, मैरिनेशन हो चुकी है फ़िश की। अब मैं इसमें पैन लिया, नॉन स्टिक पैन है, आप ग्रिल भी ले सकते हैं, ग्रिल पैन जो होता है। तो इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगा, इसे एक से डेढ़ टेबल स्पून तक, ये तो ऑयल गर्म हो गया। अब मैं इसमें फ़िश के फिले डाल रहा हूँ, आराम से आपने इसमें रखना है। हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर इसको पकाना है, दो मिनट एक साइड पे, दो मिनट दूसरी साइड पे, आराम आराम से हमने इसको वो करना है। इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगा, मेरे पास चेरी टमाटर हैं, छोटे चेरी टमाटर। इसके अलावा मेरे पास हैं बॉयल किए हुए फ्राइज़ हैं, और बॉयल किए हुए मटर हैं, इसको भी मैं साथ ही शामिल कर दूंगा। तो इनको भी मैं हल्का सा शैलो फ्राई कर लूंगा इस तरह। इससे लुक बड़ी ज़बरदस्त आती है, और प्लेटिंग जिसकी बहुत बेहतरीन होती है चेरी टोमेटो से, और साथ में वेजेस, स्टेक के साथ वेजेस भी सर्व होंगे इसके साथ, मैं सॉस भी इसके साथ सर्व करूँगा। देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त लुक आ रही है माशाल्लाह। तो दो मिनट के बाद मैं इसको साइड चेंज करूँगा साइड जी। तो देख सकते हैं अगर हमारी रेडी हो चुकी है, ऑलमोस्ट कलर भी इतना हमने इसको लग देना है, लेकिन बहुत एहतियात से आपने इसको करना है, नॉन स्टिक पैन में ही करेंगे तो अनफोटेड ना टूट जाएगी। तो देख सकते हैं, अब मैं इसको निकाल लूँगा और इसकी प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। जी तो यार देख सकते हैं, इस पर रेडी हो चुका है हमारा स्टेक, कलर इसमें हमने लाना है थोड़ा सा गोल्डन,
अब मैं इसको निकाल लूँगा, इसकी प्लेटिंग करके आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़ी ज़बरदस्त। जो लोग डाइट में उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है, और लाइट मसालों के साथ है ये, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है जी। तो यार हमारा फिश स्टेक रेडी है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका, लुक का आप देख सकते हैं, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। ये मैंने ऑरेंज सॉस के साथ सर्व किया, जो येलो आपको सॉस लग रही है इसमें, इसकी रेसिपी मैं पहले दे चुका हूँ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है इस, इवन कि आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं, इतनी ज़बरदस्त सॉस बनती है ये। वो चिकन अनारकली की जो रेसिपी है उसके साथ मैंने ये बनाई थी, तो बहुत ज़बरदस्त है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। डाइट के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े लाइट स्पाइसेस हैं इसके। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मुझे तो भी याद रखिएगा, मैं इसको आपको टेस्ट भी करा के दिखाता हूँ कि ये कैसी है। ये देख सकते हैं आप, अंदर तक गली हुई है, और इसको आप खा सकते हैं जैसे भी दिल करे, चावलों के साथ। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। इसको इंजॉय ज़रूर करके मुझे बताइएगा कैसी लगी आपको रेसिपी।